Question number second, 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. इस मेथड इस दो इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. सो मैं आप लोगों के लिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करता हूँ. एलिमिनेशन मेथड. फिर भी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी थ्रू सॉल्व करके बता दूंगा. लेकिन आप एक बार ट्राई करिए, अगर नहीं निकलता है तो आप लोग हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप लोगों का होमवर्क है और एलिमिनेशन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है. सेकंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. यहाँ पर मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, ये आपकी इक्वेशन क्या है सेकंड. यहाँ पर मैं 2 भी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. आप उस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसमें विदाउट कॉमन लेके भी कर सकते हैं. तो कॉमन लेके भी आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि विदाउट कॉमन लिए भी कैसे शुरू कर सकते हैं. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2. हमने क्या करा है, इक्वेशन ये हमारी जो सेकंड है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से. क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ क्या है 4y, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए 4 से 4y चाहिए. तो अगर मैं 2 जा कर दूंगा तो ये 4y हो जाएगा, प्लस माइनस अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ऐसी की एज इट इज रहेगी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10. दूसरी इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन हमने से एज्यूम मान लिया है, ये है 3. नाउ एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट इक्वेशन थर्ड और सेकेंड और थर्ड को हमने एड कर दिया है तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, डेट इज 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4. नाउ 3x प्लस 4x डेट इज 7x प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ओनली 7x. सो 7x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14 और x की वैल्यू आप पे आ जाएगी 2. x इज इक्वल्स टू 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ. इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी हमारी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. इक्वेशन सेकंड थी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2. 2y इक्वल्स टू 2 डेट इज 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2. नाउ माइनस 2y इक्वल्स टू 2, यहाँ क्या प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू से साइन चेंज हो जाएंगे, डेट इज माइनस 4. माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का. क्यों, क्योंकि 4 क्या है, माइनस का है. नाउ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2 डेट इज 2 वन जा 2. सो y की हमारे पास वैल्यू आ गई 1. सो
वैल्यू ऑफ एक्स इज गोज टू टू एन, वैल्यू ऑफ वाई इज गोज टू वन। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई टू और वाई की वैल्यू आपकी आ गई वन। सब्सटीट्यूशन मेथड में भी सेम, एक्स की वैल्यू आपकी टू आएगी, वाई की वैल्यू वन आएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा है। हमने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करा है। सब्सटीट्यूशन मेथड आपका होमवर्क है। अगर बाय चांस अगर आपसे नहीं निकलता है या यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व फॉर यू। नाउ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, मैंने क्या देखा कि मेरे पे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, मेरे को क्या करना है, मैं इसकी एक्स टर्म को भी इक्वल कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि मैं वाई टर्म को इक्वल कर लेती हैं तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या है फोर, मुझे कितना चाहिए यहाँ पर भी फोर चाहिए, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद कैलकुलेशन करी, मेरे पे एक्स की वैल्यू टू आ गई, और एक्स की वैल्यू टू आ गई। उसके बाद आप किसी भी चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, वट एवर यू वॉन्ट इन द इक्वेशन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी इक्वेशन यू वॉन्ट। सो मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी इन इक्वेशन सेकेंड में, और उससे हमारी वाई की वैल्यू क्या होगी वन। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर थ्री, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज गोज टू 0 एंड 9x इज गोज टू 2x इज गोज टू सॉरी 9x इज गोज टू 2y प्लस 7। सेम इसको भी मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। सब्सटीट्यूशन मेथड आप लोगों के लिए होमवर्क है, और हर क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन आपका होमवर्क रहेगा। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स इन एनी क्वेश्चन। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी आई विल सॉल्व यू फ्रॉम वट एवर मैथड यू वॉन्ट। मैं उस क्वेश्चन को जिस भी मैथड से आप कहेंगे उस मैथड से मैं सॉल्व कर दूंगा। सो राइट नाउ मैं इसे एलिमिनेशन मैथड से यूज़ कर सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं लिख देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से मैं से सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन हम लिख लेते हैं, इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को इनकी जो फॉर्म होती है उसमें सही तरीके से लिख सकूंगा, या डेट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये आपकी इक्वेशन को हमने फर्स्ट एज्यूम कर लिया, इसको सेकंड एज्यूम कर लिया। अब गाइज मैं देखता हूँ यहाँ पर ये है 9x, इक्वेशन सेकंड में है हमारे पास 9x, यहाँ मेरे को क्या चाहिए। अगर मैं ईजिली क्या मेथड पड़ेगा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मुझे यहाँ पर 9 मिल जाए तो डायरेक्ट कट जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा क्या है 3। अगर मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 या 9, तो मेरी x की टर्म क्या हो जाएंगी, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, वी गेट, हमने क्या करा है इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू में 3 9x माइनस 5 3 जा 15y इज गर्ल्स टू 3 4 जा 12। ये आपकी क्या है थर्ड इक्वेशन हम मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन चेंज हुई है। सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज रखेंगे, 9x माइनस 2y इज गर्ल्स टू 7। ये आपकी क्या है इक्वेशन सेकंड। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, मैंने क्या करा है कि इक्वेशन जो मेरी थर्ड है इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इक्वेशन 2 पहले आएगी, दैट इज 9x माइनस 2y। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। हमने क्या करा है 2 में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, 2 में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 9x माइनस 15y दैट इज 7 माइनस 12।
प्लस माइनस पे आप बस ये, अभी ये मैं सोचना कि टर्म माइनस में आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगा, बच्चे क्या देखते हैं कि अरे माइनस में आ रहा है, माइनस में आने से कुछ नहीं होता है, बस आप अपनी कैलकुलेशन आप ठीक रखें तो उससे पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर आपके को प्लस माइनस आती है तो बिलीव मी गाइस आपके 80% मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं मेथड सबको पता होता है कि क्या हमें यूज़ करना है, बच्चे घबरा जाते हैं अरे पॉइंट में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सो 9x-2y-9x-15y, दैट इज इसको हम लिख लेते हैं एक्सपेंड करके, 9x-2y-9x+15y इजकल्स टू प्लस माइनस माइनस, और माइनस की जो डिजिट है वो बड़ी है, राइट। यहाँ पर 9x से 9x कट जाएगा क्योंकि 9x प्लस का है, ये माइनस का है। -2y+13y इजकल्स टू -5 एंड y इज कम्स आउट टू बी -5/13। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -5/13। नाउ हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, हम क्या इसकी x की वैल्यू निकालते हैं, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ, इन इक्वेशन सेकंड, मैंने सेकंड इक्वेशन में से पुट कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन क्या है एक बार हम लिख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन है हमारी 9x-2y इज़ टू 7, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, अब इसमें पुट कर देते हैं 9x-2y कितना आ रहा है आपका, -5/13 इज टू 9x माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका, +5 × 10/13 इज टू 7 एंड 9x इज टू 7, इधर कितना है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा -10/13 विच इज इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 9x इज टू 7 -10/13, 9x इज टू 13, 13 7 जा 91 -10, 9x इज टू 81/13, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 9/13। सो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आई आपके पास, 9/13, एंड वैल्यू ऑफ वाई देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ वाई कितनी आ रही थी, -5/13, वैल्यू ऑफ वाई इज -5/13। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा है, क्वेश्चन ये था, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा है, मैंने देखा मेरे पे 9 है नीचे वाली टर्म में, मुझे ऊपर क्या चाहिए 9, तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन थर्ड मिल गई, इक्वेशन थर्ड के बाद मैंने देखा ये भी 9x है और ये भी 9x है, तो अगर मैं 9x में से 9x सब्सट्रैक्ट कर दूं तभी मेरी x की टर्म कैंसिल आउट होगी, तो मैंने इक्वेशन सेक थर्ड जो इक्वेशन हमारी थर्ड है उसको सेकंड में से सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पे y की वैल्यू आ गई -5/13। आपके पास y की वैल्यू आ गई, आप इसके बाद इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, थर्ड में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, इट्स अप टू ऑन यू, आप किसी में भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट करा है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, सेकंड में पुट करने के बाद हमारे पे x की वैल्यू आपकी आ गई 9/13। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।